हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 4 मीटर कपड़े में हम किस तरीके से फुल सर्कल अम्ब्रेला, स्कर्ट और टॉप दोनों रेडी करेंगे, वो भी स्लीव्स के साथ में। और लाइनिंग के लिए 3 मीटर टफेटा सिल्क का फैब्रिक लिया है। टॉप और स्कर्ट दोनों इससे हम कट करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है ये सिल्क का फैब्रिक है और इसके ऊपर सिक्वेंस और थ्रेड से पूरे पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से ओपन करेंगे और पूरे कपड़े को इस तरीके से लंबाई में एक बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसे सेंटर से एक बार और लंबाई में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमारा कपड़ा ये 4 फोल्ड में करके हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लिया है। फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। कपड़े का जो पन्ना है वो है 48 इंच का और इसकी जो लंबाई है वो पूरे 4 मीटर है। सबसे पहले यहाँ पे जो चारों किनारी हैं उन्हें अच्छे से एक दूसरे के साथ में सेट करते हुए यहाँ पे पिन लगा करके सेट करेंगे। उसके बाद इस किनारी को इस तरीके से उठाते हुए यहाँ पे हम ट्रायंगल का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए, एक फोल्ड में हमारा साइड है और 2 साइड खुली हुई है, तो इस तरीके से हमें कोन बनाते हुए सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये 4 जो लेयर है वो ओपन है और यहाँ पे हमारी 2 लेयर क्लोज है। यहाँ पे जो कोन वाला हिस्सा है वहां से हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम अपने वेस्ट का रेडियस निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे जो भी वेस्ट का राउंड मेजरमेंट होता है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए और उसे डिवाइड करेंगे 6.28 से। तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो आया है 4.7 इंच। अगर आप परफेक्ट फिटिंग का लहंगा तैयार करना चाहते हैं तो इसमें ये लूजिंग को ऐड ना करके अपने वेस्ट का जो राउंड मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेडियस को निकालें और इस निशान से ऊपर 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक सिलाई का मार्जिन का निशान लगाएंगे। हम कपड़े को ऊपर वाले निशान पे कट करेंगे। अगर ये हमारे कमर की चौड़ाई को नाप के देखेंगे कम होता है तो फिर हम थोड़ा सा इस निशान के नीचे भी कट कर सकते हैं। क्योंकि ये कपड़ा अम्ब्रेला में फोल्ड है तो अलग अलग कपड़ा अलग अलग तरीके से फैलता है, तो इसके कटिंग करने के बाद ही मेजरमेंट चेक करना चाहिए। उसके बाद स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो निशान लगाया है उसके नीचे इस तरीके से टेप को रखेंगे और हमारे जो स्कर्ट है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 41 इंच। उसमें 2 इंच का हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं तो उसे माइनस करेंगे तो वो होगा 39 इंच। उसमें 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे और 40 इंच पे इस तरीके से टेप को घुमाते हुए निशान लगा लेंगे। सभी पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे और यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे तिरछा वाला कपड़ा है यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ कट करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ लटकता है। तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है ये फोल्ड में है तो सबसे पहले इसको कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पे जो स्कर्ट की लेंथ है वो कम है तो इसे हम इस तरीके से कपड़े को अटैच करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हम सेट कर लेंगे और यहाँ पिन से इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे और यहाँ पे इसे नीचे की तरफ जितना फैब्रिक है उससे मिलाते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्कर्ट के पैनल को कट कर लिया है। इसके बाद हम अपने टॉप को कट करेंगे। तो बचा हुआ फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे जो फैब्रिक बचा है उससे या तो हम फ्रंट में ओपन टॉप बना सकते हैं या फिर बैक में ओपन टॉप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो बड़ा पीस है इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और अपने टॉप का फ्रंट के पोर्शन की कटिंग करेंगे इस पे। और यहाँ पे हम अपने तिरछे में हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारे टॉप की जो भी लेंथ है उसमें सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे 15 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर है 7 इंच, उसमें 1 इंच हम कम करेंगे क्योंकि हम दोनों
फ्रंट और बैक में वी नेक दे रहे हैं, तो इस तरीके से 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। उसके बाद हमारे चेस्ट का जो राउंड मेजरमेंट है वो है 36 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो डीप है। उसके बाद हम अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का इस तरीके से शेप दे देंगे और यहाँ पे 1 इंच का सिलाई का मार्जिन देंगे। यहाँ पे देखिए हम स्लीव को किस तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके से हम अपने स्लीव को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम कैप स्लीव बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे, तो हमारे जो आर्म होल की चौड़ाई है वो 16 इंच आनी चाहिए। और यहाँ पे हम अपने दोनों स्लीव्स को कट कर लेंगे। उसके बाद बचे वाले दो पीस जो हमारे पास हैं उस पे हम अपने बैक के पोर्शन की कटिंग करेंगे। दोनों पीस को इस तरीके से करते हुए सेट कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपने फ्रंट के पैनल को सेट करेंगे और फोल्ड वाली साइड से यहाँ पे हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस तरीके से सेट करेंगे हम। बाकी की सभी मार्किंग को सेम इसी तरीके से निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। और हमारे पास अभी भी इतना कपड़ा बचा हुआ है जिससे हम स्कर्ट की बेल्ट कट कर सकते हैं और लटकन वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद स्लीव को हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 7 इंच और नीचे से इसकी लेंथ है 3.5 इंच। उसके बाद यहाँ से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्लीव को इस तरीके से शेप देंगे। बैक के दोनों पोर्शन को लिया है और यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ पे पट्टी को अटैच करने के लिए हम हाफ इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो यहाँ से मेजरिंग टेप को रखते हुए हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच और नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे 10 इंच। यहाँ पे मैंने लिया है लेग शेपर, इससे दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा वी नेक का शेप बहुत ही परफेक्ट आएगा। बाद हम कट करेंगे अपने फ्रंट के नेक को, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे नेक के विड्थ की और इसकी लेंथ रखेंगे 7 इंच और दोनों पॉइंट को इस तरीके से लेग शेपर से मिलाते हुए इसको हम कट कर लेंगे। हमने टॉप और स्कर्ट दोनों की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है लाइनिंग का फैब्रिक और जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो इस तरीके से बहुत ही खिसकने वाला कपड़ा है, इसलिए हम इसको अम्ब्रेला में कट नहीं करेंगे, इसके हम कलियों में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्कर्ट की जो भी लेंथ है उसके बराबर पे कपड़े को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद सेंटर से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमारे स्कर्ट की जो भी लेंथ है उसमें से 1 इंच कम करके कपड़े को हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे फोल्ड करने के लिए और कपड़े को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे जिस तरीके से पेटीकोट करते हैं कट करते हैं सेम उसी तरीके से कट कर लेंगे। पे 3 कली फ्रंट में अटैच करेंगे और 3 कली को बैक में अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमारी दो जो कलियाँ हैं वो चौड़ी हैं और इसमें 4 कलियाँ पतली हैं। तो यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से चौड़ी कली को रखेंगे और इसके किनारे में 2 पतली कलियों को अटैच कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट का पैनल रेडी हो जाएगा और इसी तरीके से बैक के पैनल को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमारा वेस्ट से इसकी चौड़ाई ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे हम छोटे छोटे 1-2 प्लीट्स डाल देंगे। यहाँ पे हमने अपने स्कर्ट के दोनों पैनल को रेडी कर लिया है और जो फैब्रिक हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना था उसे ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद दोनों पैनल को 1-2 के ऊपर रखते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। राइट साइड में यहाँ पे स्टिच लगा करके दोनों पैनल को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे दोनों पैनल को अटैच कर लिया है। उसके बाद में हम इस पे लाइनिंग को अटैच करेंगे, तो लाइनिंग की सभी कलियों को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से सेट करेंगे
और इसके कमर वाले जो पोर्शन है वहाँ पे हम सिलाई लगा करके लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, उसके बाद में स्कर्ट को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हम स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे जिप अटैच कर लेंगे। साइड में जिप को किस तरीके से अटैच करना है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद हम स्कर्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे और इसकी डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है किस तरीके से परफेक्ट फिटिंग के लिए बेल्ट लहंगों में अटैच करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कर्व दिया हुआ है, साइड में भी यहाँ पे कर्व है जिससे कि हमारे वेस्ट पे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर बेल्ट को स्कर्ट के साथ में अटैच कर लिया है और सिक्वेंस वाला फैब्रिक वेस्ट लाइन पे बहुत ही अनकम्फर्टेबल जैसा फील होता है, इसलिए मैंने प्लेन फैब्रिक से बेल्ट को बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने दो तरीके की डोरी वेस्ट में डाली हुई है, एक मैंने सीधी तरीके की डोरी डाली है जो कि जिससे कि बहुत ही टाइट हम अपने लहंगे को टाई कर सकते हैं और दूसरी एक पतली वाली डोरी डाली है जिसमें लटकन अटैच किए हुए हैं। और लहंगे में नीचे की तरफ हार्ड वाली बुकरम से फिनिशिंग कर ली है। इसे स्कर्ट में किस तरीके से अटैच करना है इसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, लिंक सभी की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे लहंगे में बहुत ही क्लीन सी फिनिशिंग मिलती है और इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पे मैंने टॉप को भी स्टिच कर लिया है, नेक यहाँ पे वी नेक रखा हुआ है और इस तरीके से बहुत ही छोटी सी कैप स्लिप बनाई हुई है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे बैक पे बनाई हुई है। इसके साथ में लाइट ब्लू ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा पेयर किया हुआ है, दोनों पे बिल्कुल सेम कलर के सीक्वेंस से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। आई होप कि आज की वीडियो से आप समझ पाए हों कि जब भी हम अम्ब्रेला में स्कर्ट को बनाते हैं तो उसके नीचे से जो फैब्रिक बचता है उससे आप बहुत ही आसानी से अपने साइज का क्रॉप टॉप ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे के कुछ फैब्रिक सीक्वेंस वाले होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।